सबसे मोटा किताब बड़े लिखे हैं उसका नाम है साधना। साधना किताब में स्वामी शिवानंद जी महाराज लिखते हैं फोर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग साधना में शिवानंद स्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सारे पढ़ने का बात, सुनने का बात, मेरे पास बहुत सारे चिट्ठी आ रहा है स्वामी जी मैं क्या करूं, भगवत अनुभूति के लिए, ईश्वर अनुभूति के लिए मैं क्या करूं। आप भी देख सकते हैं फोर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग साधना स्वामी जी लिखे हैं। चार चीज साधना में गवर्न करता है और चार चीज को आप अगर ध्यान देते हैं तो आप साधक बनेंगे, साधक का क्वालिफिकेशन आप में आप आ जाएगा और आप ईश्वर अनुभूति करेंगे। वो क्या है? पहला है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। आप कहा जहां कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, जो आश्रम में हो, नौकरी में हो, घर में हो, बाहर में हो, ईश्वर सत्ता सर्वदा विद्यमान, ईशावास्य विदम सर्वम। तो भगवान का सत्ता बाहर भीतर अंदर आप ही खुद ही हो। स्वामी जी पहला पॉइंट बताया कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, और दूसरा पॉइंट में स्वामी जी बोले कल्टीवेशन ऑफ गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, ये है दूसरा जो दिव्य गुण है। भगवत गीता में दैवासुर संपद विभाग जो में क्या दैव संपत्ति है, क्या आसुरी संपत्ति है, भगवान स्वयं वर्णन किया है। तो स्वामी जी वो दूसरा पॉइंट में रखे हैं कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, और तीसरा है इरेडिकेशन ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज वाइसेस, और चौथा पॉइंट जो स्वामी जी बोले हैं इतना करने का बाद पहला है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, तीसरा है इरेडिकेशन ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज, चौथा है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। साधक का संज्ञा, साधक का स्थिति और साधक का व्यवहार, ये चारों प्रिंसिपल को गवर्न करता है। साधक का लक्ष्य ये चारों प्रिंसिपल का ऊपर बेसिक करके लक्ष्य स्थल पर पहुंचाता है। ये स्वामी शिवानंद जी महाराज लिखे हैं साधना किताब में, और गुरुदेव स्वामी चिदानंद सरस्वती जी विश्व दिवस संघ का शिवानंद बाद में प्रेसिडेंट रह करके जितना सारे सारा भारत से सारा पृथ्वी परिक्रमण किए, वो दो चीज का ऊपर बहुत गुरुत्व दिए और साधना का वो रिजल्ट है, और वो भी साधन है, वो है क्या? सदाचार और परोपकार। घंटा घंटा आप जप ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, साधना हो रहा है, उपवास हो रहा है, तपस्या हो रहा है, एकांतवास हो रहा है, मौन हो रहा है, मगर पानी में पवित्रता नहीं है, दूसरे के साथ झगड़ करते हैं, ये साथ जो भावना में आप भरपूर है, तब वो ये साधक को लक्ष्य स्थल में नहीं ले पाएगा। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलेंगे आपका आचार व्यवहार, योर इथिकल एंड मोरल कंडक्ट शुड बी वेरी वेरी प्योर, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड योर माइंड टू सुपर कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस। मेरा बड़ा भाग्य है कि कलकत्ता